करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां से ब्यूरो हेड दानिश फारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दानिश जी, बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो उलटफेर हुआ है वो बहुत बड़ा, वो है समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें अपने खाते में कर ली। इंडियन गठबंधन को 231 सीटें मिलती हुई दिखी हैं लोकसभा में, जहां बीजेपी पूरी तरीके से यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने में कहीं ना कहीं पीछे हट गई। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जहां पर बीजेपी को हार मिली है। बात करें अयोध्या अमेठी जैसे हाई प्रोफाइल सीटों की, वहां पर भी बीजेपी अपने सांसदों की जीत नहीं कर पाई। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिये, 33 सीटों के बहुमत से बीजेपी पीछे रह गई। अगर बीजेपी को 33 सीटें मिल जाती तो वो बहुमत से सरकार बन जाती और जो उनके मंसूबे थे उसको कामयाब करती। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं बीजेपी की केंद्र में जाने का रोड़ा बना, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली है, बीजेपी को 33 सीट मिली है और टोटल 43 सीट इंडिया गठबंधन को मिली है, उससे एक बात समझ में आई कि अगर यूपी में जो लहर थी राम मंदिर या मैं कह सकता हूँ 370 तमाम मुद्दों को लेकर, तो वो लहर कहीं ना कहीं इसमें कम नहीं आई। रोजगार, महंगाई और तमाम मुद्दे इस पर हावी बैठ गए, खास करके संविधान बदलने वाला जो र्यूमर था वो कहीं ना कहीं इसमें काम किया, और इंडिया गठबंधन ने इसी को बेस बना करके, मुद्दा बना करके जनता में, प्रदेश में एक सच्चाई दिखाई कि किस तरीके से संविधान बदलने का प्रयास किया जा रहा, जिसपे लल्लू सिंह हार गए, संविधान बदलने की बात उन्होंने कही थी। अब बात अगर कर लेते हैं कि देखिए, इस जो ये संविधान बदलने का जो एक एजेंडा था इंडिया गठबंधन और विपक्ष के अलायंस के पास, वो इतना ज्यादा मजबूत था कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी, कई दिग्गजों को यूपी में आकर के सफाई देनी पड़ रही थी कि ये एजेंडा संविधान बदलने की बात बीजेपी नहीं कर रही बल्कि कांग्रेस कर रही, गठबंधन कर रही, इसको लेकर के उनको मजबूरी में आना पड़ा। दूसरी बात, आज जो एनडीए और इंडिया गठबंधन की दोनों की आज अलायंस की बैठक है, हालांकि बैठक में एक चीज तय हुई कि कौन सरकार बनाएगा कौन सरकार नहीं बनाएगा, सबकी निगाहें अब नायडू और दूसरा नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। अभी भी इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार है, जिस तरीके से खटाखट सरकारें, खटाखट रिजल्ट आया उस तरीके से फटाफट सरकार बनेगी नहीं, इसको लेकर भी सस्पेंस अभी बरकरार है। बात अगर यूपी कर ले तो यूपी में सात मंत्री ऐसे हैं जो यूपी में हार गए, चाहे वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात करें, अजय मिश्रा टेनी की बात करें, या कौशल किशोर की बात करें, या वे संजीव बलियान की बात करें, ये कई दिग्गज ऐसे थे जो यूपी में हार गए, कहीं ना कहीं इसके कारण बने। वहीं बीजेपी ने 47 टिकट दिए हुए थे पुराने लोगों को, जिनमें 26 लोग ही 26 हाफ है, बाकी सब जीते। तो इस तरीके से ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं टिकट बंटवारों को लेकर के भी बीजेपी में कलह हुआ, कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार मुद्दा बन बैठा। और इसमें जो एक चीज देखने को मिली कि यूपी के अंदर जो धर्मवाद का जो एजेंडा था उस तरीके से ना तो वो चल पाया और ना ही मोदी मैजिक चल पाया। एक बात ये भी सुनने में आ रही थी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो आईएएस पीसीएस आईपीएस लॉबी हावी दिख रही थी, प्रशासनिक काम नहीं हो पा रहे थे, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही थी, मजदूरों की बात नहीं सुनी जा रही थी, शिकायतकर्ता थानों में पहुंचते, थानों में उनकी सुनवाई नहीं होती, कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो उत्पीड़न था वो भी कहीं ना कहीं सरकार पर हावी पड़ा, क्योंकि अक्सर देखने को मिल रहा था कि कार्रवाई थानों से लेकर कप्तान तक नहीं होते थे, कप्तान के चौखटों पर आपदा होते थे, उन्नाव की बात कर ले या वाराणसी की बात कर ले, कई तरीके के ऐसे मामले लखनऊ समेत कई राज्यों में सीतापुर समेत आए थे, ये भी कहीं ना कहीं हावी दिखे। लेकिन इसमें सुधार करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आज जानकारी मिल रही है कि आईएएस और आईपीएस की ट्रांसफर की सूची आज से बनना शुरू हो जाएगी, कई आईएएस और कई आईपीएस का ट्रांसफर अब होना तय है, क्योंकि रिजल्ट बेहद ही खराब आया है उत्तर प्रदेश में। वो आईएएस और आईपीएस की सूची तैयार की जा रही है, वो आईएएस आईपीएस चिन्हित की जाएगी जिनका खराब प्रदर्शन रहा। जी जी दानिश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।